घरेलू काम की बातें। धीरे धीरे कितने नाजायज खर्च से जुड़ते गए हैं हम। टॉयलेट धोने का हापिक अलग, बाथरूम धोने का अलग। टॉयलेट की बदबू दूर करने के लिए खुशबू छोड़ने वाली टिकिया भी जरूरी है। कपड़े हाथ से धो रहे हो तो अलग वॉशिंग पाउडर, और मशीन से धो रहे हो तो खास तरह का पाउडर, नहीं तो तुम्हारी 20,000 की मशीन बकेट से ज्यादा कुछ नहीं। और हाँ, कॉलर का मैल हटाने का वॉनिश तो घर में होगा ही। हाथ धोने के लिए नहाने वाला साबुन तो दूर की बात, लिक्विड ही यूज करो। साबुन से कीटाणु ट्रांसफर होते हैं। ये तो वो ही बात हो गई कि कीड़े मारने वाली दवा में कीड़े पड़ गए। बाल धोने के लिए शैम्पू ही पर्याप्त नहीं, कंडीशनर भी जरूरी है। फिर बॉडी लोशन, फेस वॉश, डिओड्रेंट, हेयर जेल, सनस्क्रीन क्रीम, स्क्रब, गोरा बनाने वाली क्रीम लेना अनिवार्य है ही। और हाँ, दूध, जो खुद शक्तिवर्धक है, कि शक्ति बढ़ाने के लिए हॉर्लिक्स मिलाना तो भूले नहीं ना आप। मुन्ने का हॉर्लिक्स अलग, मुन्ने की मम्मी का अलग, और मुन्ने के पापा का डिफरेंट। सांस की बदबू दूर करने के लिए ब्रश करना ही पर्याप्त नहीं, माउथ वॉश से कुल्ले करना भी जरूरी है। तो श्रीमान जी, 10 से 15 साल पहले जिस घर का खर्च 8,000 में आसानी से चल जाता था, आज उसी का बजट 40,000 को पार कर गया है। तो उसमें सारा दोष महंगाई का ही नहीं है, कुछ हमारी बदलती सोच भी है, और दिन रात टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों का परिणाम है। सोचो, सीमित साधनों के साथ स्वदेशी जीवन शैली अपनाएं, देश का पैसा बचाएं। जितना हो सके साधारण जीवन शैली अपनाएं। केवल सरकार को महंगाई के लिए कोसने से कुछ नहीं होगा। यह मैसेज बहुत हद तक सबकी आंखें खोलने वाला कड़वा सच है, बस गहराई से सोचने और समझने की जरूरत है।